दोस्तों, अगर आपको भी वोडाफोन आइडिया या वीआई कस्टमर केयर से डायरेक्ट बात करना है तो इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा बात कर। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, कौन सा बटन कैसे दबाना है आप सीख पाएंगे और आसानी से बात भी कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया कंपनी से बात करने के लिए कौन कौन से बटन दबाना है, कब दबाना है, मैं आपको सिखाऊंगा और आप बात कर लाइव प्रूफ देखेंगे। तब वीडियो को लाइक करिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसके लिए 198 पे ही कॉल करना है, लेकिन इस पर ट्रिक होता है कौन सा बटन कब दबाना होता है, जो आपको सीखना पड़ेगा। हिंदी के लिए एक दबा देना है। क्या आप इस चुने हुए भाषा को आपके भविष्य में किए गए सभी कॉल्स के लिए अपनी पसंदीदा भाषा के रूप में ध्यान से सुनिएगा करना चाहते हैं? थोड़ा सा वेट करना है। आई वेयर को जारी रखकर आगे बढ़ने के लिए 2 दबाएं। ध्यान सुनना है, अब आपको डायरेक्ट 4 दबाना है, देखिएगा। क्षमा करें, ये एंट्री अमान्य है, कृपया दोबारा कोशिश करें। क्या आप इस चुने हुए भाषा को आपके भविष्य में किए गए सभी कॉल्स के लिए अपनी पसंदीदा भाषा के रूप में सेट करना चाहते हैं? 1 दबाएं। आई वेयर को जारी रखकर आगे बढ़ने के लिए 2 दबाएं। आपको थोड़ा सा वेट करना है और 4 दबा देना है। अपने करंट यानी वर्तमान टैरिफ, प्रीपेड बिल, पॉपुलर रिचार्जेस और खास आप ही के लिए बने बेस्ट ऑफर ध्यान से देखिएगा। 1 दबाएं। नहीं दबाना है। डेटा सेवाएं काम नहीं कर रही है, कॉल करने या प्राप्त करने में असमर्थ है, या फिर SMS भेजने में कोई परेशानी है, तो 2 दबाएं। बैलेंस और डिडक्शन यानी बकाया और कटौतियों के लिए 3 दबाएं। फ्लैश डीएक्टिवेट यानी निष्क्रिय करने के लिए, कॉल ट्यून्स या अन्य वैल्यू एडेड सेवाओं के लिए 4 दबाएं। खोए गए सिम संबंधी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए, PUK के लिए वेट करना, ध्यान से देखना, वैकल्पिक नंबर अपडेट करने, IVR की भाषा बदलने के लिए और अपनी शिकायत के समाधान के खिलाफ अपील यानी प्रार्थना करने के लिए 5 दबाएं। अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग, DND और डेटा शुरू और बंद करने के लिए 6 दबाएं। क्षमा करें, हमें आपको 4 दबा देना है फिर से। प्रिय ग्राहक, आपके अकाउंट में कोई भी वैल्यू एडेड सेवाएं एक्टिव नहीं है। फ्लैश सेवा डीएक्टिवेट यानी निष्क्रिय करने के लिए 1 दबाएं। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपकी बात होगी। 2 दबाएं। वैल्यू एडेड सेवाएं एक्टिवेट यानी सक्रिय करने के लिए 3 दबाएं। मेन मेन्यू में जाने के लिए 8 दबाएं। हमारे ग्राहक सेवा देख सकते हैं लाइव करने के लिए 6 दबाएं। आपका कॉल ग्राहक से लाइव प्रूफ देख सकते हैं आप, क्या क्या दबाना था, कैसे दबाना था, आंतरिक प्रशिक्षण कार्यों के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता है। नमस्कार, मैं आपका स्वागत, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ?